खेतां विच तपदी धुप च झोना लाउण वाली ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। ये देश विदेश च पंजाब अते अपनी पिंड दा नां रोशन करन वाली इंटरनेशनल खिडारन हरदीप कौर है, जिसने बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय खेड मुकाबलों दे विच गोल्ड मैडल जीते। पर अज वो गरीबी तो मजबूर हो के झोना लाउण दा कम कर रही है। वी तो वध मैडल अते कई ट्राफियां जीत चुकी हरदीप नूं पंजाब दी कैप्टन सरकार अते खेड मंत्री ने नौकरी देन दा वादा कीता सी, पर हुण उस वादे नूं वी 3 साल तो उपर समा हो चुकिया है। पर पंजाब सरकार ने पंजाब दा नां दुनिया भर च रोशन करन वाली हरदीप दी बांह नहीं फड़ी। सर क्योंकि होर साधन है नहीं गा जी, एक यही साधन झोना ला के, क्योंकि मैं अपनी कॉलेज की फीस भी भरनी होंगी है, घरदों को भी हेल्प करनी होंगी है जी। कदों तो खेड रहे हो, कितने कितने खेड के आए हो? सर मैं 5वीं क्लास तो खेड रही हूँ जी, अपने स्कूल टाइम तो, फिर मैं कॉलेज भी 3 साल खेडी हाँ, 5 साल स्कूली गेम भी खेडे सर, नैशनल इंटरनेशनल सर, मैं 15-20 टूर्नामेंट खेड चुकी हाँ जी। सुविधा मदद सर, जो मैं मलेशिया खेल के आई सी उदों एक बार जो मैं मई च गए थे, 5 मई तो 7 मई के विचकार टूर्नामेंट से मई च गए थे खेडन, इस तो बाद जून ची 15 दिन बाद झोना लाउण लग गए। फिर स्पोर्ट्स मंत्री जी आए जो राणा गुरमीत सिंह सोढी ने, उन्होंने मैं कहा इतने आए थे स्पैशली, मैंने सम्मानित भी किया, उन्होंने टैफी पिंड के कॉन्फ्रेंस से उत्थे बुलाया से उन्होंने सानू इकट्ठ सीगा, और उन्होंने कहा बेटा तू अपने डॉक्यूमेंट लैके साढ़े को आई चंडीगढ़ स्पोर्ट्स ऑफिस, तो असं मैं मेरे पापा से गए सब उत्थे, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट फट के रख ले सर, न्यूज़ भी लवाती भी नौकरी नूं हरी झंडी खड़ारन नूं, पर हाले तक सर 3 साल हो गए उन्होंने कोई मतलब कोई जवाब नहीं आया है जी। किवें देखते हो सरकारां नूं? सर सरकारां दे झूठे वादी आ जी, हुण जिवें मेरे वर्गे गरीब परिवार के बच्चे ने एक आस लैके उम्मीद लैके खेडदे ने गे, पढ़दे ने भी तां जो सानूं नौकरी मिलेगी, पर आखिर च करना ही कम पैंदा जी दुबारा। की मांग करदे हो हुण सरकार? सर मंग इही आ वी जॉब दित्ती जावे जी, क्योंकि मैं इंटरनेशनल पिछे जे 5-6 खिडारियों नौकरी दी है जो इंटरनेशनल खेडी सी सर, पर उस मेरा नाम नहीं आया, मैंने ऐसे वो लिस्ट शायद मेरा भी नाम आऊगा, क्योंकि असं स्पैशली गए से मंत्री साहब को जी, स्पोर्ट्स मंत्री को जी, पर मेरा उस भी नाम नहीं आया जी। गरीबी च सख्त मेहनत करवा के हरदीप नूं खिडारी बनाने वाली माँ की सरकार तो उम्मीद धुंधली पैंदी नज़र आ रही है। बस वह तो चाहते ने कि उन्हां दी बच्ची लई कीती गई इन्नी मेहनत अते पढ़ाई मिट्टी विच ना रल जावे। बहुत ये बारे असी मेहनत करिए, बहुत सोचा असी दिहाड़ी कर करके दो सत्ते जाके भी इन्हों पढ़ाया लिखाया जी, सरकार ने साड़ी कोई मदद नहीं करी, असी इस टाइम जी अपने बच्चों सारियां नूं नाल लई फिरदे आ, पूरी मेहनत कर रहे हैं जी, असी साड़ा बहुत मन दुखी है इस टाइम। लड़की नूं खिडाया भी देश दा नाम भी रोशन कीता, हाँ जी हाँ जी, की लगता भी सरकार कहिंदियां ने साडे पा दित्ता जी, सरकार कुछ भी नहीं हैगी हुण, जदों साड़ी कोई मदद नहीं करी सरकार ने, असी बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके जी फिरते रहे, कदे गड्डियां लैके वग गए, कदे किसी के मोटरसाइकिल तेल पवाता, 50-50 रुपये दिहाड़ी करके भी फिरते रहे हैं, असी साड़ी कोई मदद नहीं करी जी सरकार ने हजे। की मांग करते हो सरकार? असी जी नौकरी की मांग करते। पिंड वासी भी हरदीप नू लै के माण महसूस करते ने, पर नाल ही सरकार नू मदद करने की अपील भी करते ने। पिंड की यह लड़की है जी हरदीप कौर, यह इंटरनेशनल लड़की खेडी हुई है, जो सरकार ने वोटों तो पहला वोटा लैने लोगों वादे किए कि असी घर घर नौकरी देवे, परंतु सारे वादे ठुस हो गए, सरकार पूरी नाकाम है। अज आ बच्चे तुसी वेखिए अपने गुरने कला के जिहड़ी एक इंटरनेशनल खिडारी होने के बावजूद भी किन्नी गर्मी के अपने माता पिता नाल झोना ला रही है, असी माण महसूस करते हैं कि इस लड़की ने साडे पिंड का नाम है जिहड़ा रोशन किया है, ते सरकार अपने वादे मुताबिक इस लड़की नूं नौकरी देवे। सरकार वल्लों वादा करके भी पंजाब दा नां रोशन करन वाले खिडारियों नूं नौकरी ना देना भविख विच बाकी खिडारियों नूं निराश करन वाला है, देखना होवेगा कि सरकार इस गरीब खिडारी नाल कीता वादा पूरा करदी है या फिर ये खिडारन इस तरह जिंदगी जीउण लई मजबूर हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट द पंजाब टीवी।